फ़ोन पे यूपीआई एप्स ने बहुत पॉपुलर और कन्वीनियंट है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से पेमेंट्स, फ़ोन रिचार्ज और बिल्स पे कर सकते हैं। आपको अपनी बैंक से पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे के ज़रिए सबसे पहले आपको फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास स्मार्टफोन में इंटरनेट होना चाहिए। आपको फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, और वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके बैंक का डेबिट कार्ड। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम फ़ोन पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और अपना फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे जो हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। रजिस्टर करते वक्त आपको लॉगिन पिन भी सेट करना होगा। ये ध्यान रखें कि ये पिन यूपीआई पिन नहीं है। हम बाद में देखेंगे यूपीआई पिन सेट करने का प्रोसीजर। रजिस्टर होने के बाद फ़ोन पे का होम स्क्रीन देखेंगे। फ़ोन पे का होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट्स लिंक कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे बैंक अकाउंट्स लिंक हैं तो ऊपर यहाँ पे ग्रीन चेक दिखेगा, बैंक अकाउंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरा तरीका कैसे है बैंक अकाउंट लिंक करने का। यहाँ पे नीचे माई मनी पे क्लिक करना है। पेमेंट मेथड्स में यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बैंक अकाउंट्स वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर मेरे दोनों बैंक अकाउंट लिंक हैं, इसलिए यहाँ नीचे मैं ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगी। ऐड न्यू बैंक अकाउंट। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है वहां से आप बैंक का नाम चूज करके लिंक करेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं अगर मैं कैनरा बैंक क्लिक करूंगी तो मुझे एरर आएगा क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है बैंक कैनरा बैंक अकाउंट में। तो देखिए मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नंबर है और एचडीएफसी में है, तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी क्लिक करती हूँ। क्योंकि मैं पहले से HDFC का अकाउंट लिंक कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। मैं आपको दिखाने के लिए कि बीच में क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ रीसेट UPI पे क्लिक करती हूँ और मुझे ये मैसेज आता है। कि मुझे अपने ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट एंटर करना है और उसकी एक्सपायरी डेट भी एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद मुझे अब अपना UPI पिन सेट करना है। UPI पिन जब जब यूज़ करना है, जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हों, और यह UPI पिन हमारे ATM कार्ड के पिन जैसा होता है, 4 डिजिट का। जैसे कि आपको ATM पिन का यूज़ करना होता है पैसे निकालने के लिए, वैसे ही UPI पिन का यूज़ करना होता है ऐप से पेमेंट करने के लिए। UPI पिन किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं, चाहे कि वो फ़ोन पे हो या गूगल पे। ये पिन हमारे बैंक अकाउंट से लिंक रहता है और यह पिन एक बैंक अकाउंट के लिए सेम रहता है, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी पेमेंट ऐप में हो, पेटीएम, भीम, गूगल पे या फिर फोन पे। UPI पिन सेट करते वक्त बैंकिंग सिस्टम मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा और मैं OTP यहाँ एंटर करने के बाद नया UPI पिन सेट करूँगी। यह UPI पिन मुझे 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए।
ये ध्यान रखें कि यूपीआई पिन आप याद रखें और किसी से भी शेयर ना करें, ना ही किसी जगह पर लिखें। यह यूपीआई पिन सेट करना एक बार का ही प्रोसेस है। आपको यूपीआई पिन किसी भी 4 डिजिट का यूज़ करके बना सकते हैं। यह बहुत आसान नहीं होना चाहिए, जैसे कि 0000 या फिर 1234। अब ये यह पिन सेट हो चुका है। अब हम ये देखेंगे मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है और हम यूपीआई पिन का यूज़ करेंगे। ट्रांसफ़र मनी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने फ्रेंड्स को जो फ़ोन पे हैं उनको भेज सकते हैं टू कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और या तो आप उनको भी भेज सकते हैं जिनके पास फ़ोन पे ऐप नहीं है, यहाँ पे टू अकाउंट के ज़रिए। यहाँ मैं टू अकाउंट पे क्लिक करूँगी और जिसको मुझे पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट एंटर करूँगी और यहाँ पर अमाउंट एंटर करूँगी और सेंड पे क्लिक करूँगी। सक्सेसफुल होने पर मुझे ये मैसेज मिलेगा कि ये सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे ये SMS अपने बैंक से भी मिलेगा। इसलिए हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि फोन पे हो सिक्योर नहीं है। अब हम देखते हैं कि यूज़र प्रोफाइल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। यूज़र प्रोफाइल पे जाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं और मुझे यह स्क्रीन दिखेगी। यहाँ लैंग्वेज चूज़ करके मैं अपने अनुसार लैंग्वेज भी चूज़ कर सकती हूँ। इंग्लिश की जगह मैं यहाँ पे कन्नड़ा चूज़ करती हूँ। तो फ़ोन पे कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन रहता है होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिल्स, रिचार्ज एंड पे बिल्स पे जाके। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अपना LIC प्रीमियम भी आप पे कर सकते हैं। स्टोर्स में जाने पर हमें ये दिखाई देता है फ़ोन पे हमारे नज़दीकी शॉप्स में कहाँ कहाँ पे फ़ोन पे रजिस्टर्ड है। फ़ोन पे स्विच में आप देख सकते हैं कि ये ऐप हमारा दूसरे ऐप से लिंक है। यहाँ पे हम डोमिनोज, ओला कैब्स और हिस्ट्री में जाके हम ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि हमारे मंथ बाय मंथ कितने ट्रांजैक्शंस हुए। यहाँ पे मैं अगर जून सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे जून के ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। तो आज आप इस सेशन में ये सीखा कि फ़ोन पे में हम कैसे अपना अकाउंट लिंक किए, हम ट्रांसफ़र पैसे कैसे किए, और आपने यूज़र प्रोफाइल में देखा कि आप सेटिंग्स में जाके अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ोन पे यूज़ करते रहिए, और आपको अगर कोई सवाल है तो यहाँ पे कमेंट छोड़ दीजिए।